तो मेरे फ्री फायर एंड पबजी लवर्स, मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे रसगुल्ला और रसमलाइयों, यहां पर देखिए सुबह के बज रहे हैं। अभी कितने सुबह के बज रहे हैं, देखिए 6:50 हो रहा है, मतलब कि 7 बज चुके हैं। अभी आपके पास है मात्र 6 घंटे का समय। तो यहां पर देखिए इस वीडियो में लेकर आ गया हूं कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 संस्कृत का आपका 100% रियल पेपर। जी हाँ, ये वही पेपर है जो कि आपको परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। आप यहाँ पर सारी कोडिंग दे सकते हैं, वोटर मार्क आप दे सकते हैं। 512 क्या है, संस्कृत का कोड है, ये देख लीजिए आप। सारे पेज हमारे पास जो है अवेलेबल है, तो इसका फुल सॉल्यूशन आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो आपको यदि आप इस पेपर के अथवा सहित यानी कि मुख्य प्रश्न को भी और अथवा प्रश्न को भी यदि आप रट लेते हो, तो आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ आप आज के पेपर में 75 नंबर लाकर आप के करने वाले हो, भौकाल मचाकर आप आने वाले हो। तो आपको करना क्या है, अगर आपको पूरे में से पूरे नंबर चाहिए तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, और आपको हमारी जोरदार मेहनत के लिए इस वीडियो को दिल की गहराई से आपको लाइक कर देना है, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, हमारे चैनल लर्न क्लब को सब्सक्राइब करके इस घंटे के निशान पर दबा देना है, ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो लेट स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो यहां पर देखते हैं, सबसे पहले यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सही विकल्प आपका आने वाला है 6 नंबर का, है ना। तो यहां पर देखते हैं हम पहला ऑब्जेक्टिव, पहला हमें दिया है पठनीया इत्यस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति। तो इसको उत्तर आपका क्या हो जाएगा, इसको उत्तर आपका हो जाएगा अनियर, अनियर आपका इसका उत्तर हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो के आगे मैं आपसे बात करूंगा कि आप इसका पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। अनियर यहां पर उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है भू धातु तक्ता प्रत्यय समयुज्य कपम भवति। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा, इसका उत्तर आप लिखेंगे भूतः। तीसरा है हरिश्चंद्र राज्ञः सत्यवादी आसीत् इत्यस्मिन् वाक्ये विशिष्य पदम किम। तो इसका उत्तर यहां पर हो जाएगा राज्ञः। चौथा प्रश्न है हन धातु वक्ता प्रत्यय समयोज्य रूपम अस्ति। तो इसका यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा हतः। पांचवा है क्रीधन तुमुन समयोज्य रूपम अस्ति। तो इसका आपका यहां पर आंसर हो जाएगा कर्तुम। छठा क्वेश्चन है कृष्णा धेनु दुग्धम न ददाति अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। तो इसका यहां पर उत्तर हो जाएगा आपका छठे का कृष्णा। अब चलिए बढ़ते हैं यहां पर स्थानों की पूर्ति की तरफ। तो उससे पहले हम जानना चाहिए आप इसका पीडीएफ सॉल्यूशन किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ की लिंक इस वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके बहुत आसानी से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि पीडीएफ डाउनलोड करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, तो पीडीएफ के लिंक के नीचे एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी, उस वीडियो में बताया गया ट्रिक का उपयोग करके आपकी जो प्रॉब्लम है वह खत्म हो जाएगी। अब चलिए देखते हैं हमारे प्रश्न क्रमांक 2, यहां पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला में दिया है सलिलम इत्यस्य पराय पदे। तो इसको उत्तर आपका हो जाएगा यहां पर नीरम। दूसरा है भार्य इत्यस्मिन् पदे प्रत्याय परे। तो इसको उत्तर यहां पर हो जाएगा कांता। अगला है आपका चोरा रिक्त स्थान आसित। तो इसका यहां पर उत्तर हो जाएगा आर्ची। चौथा है किसका है रिक्त स्थान आसित। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा अभियुक्त। पिता पुत्राय वाल्ये
रिक्त स्थान यच्छति, इसको उत्तर आपको जाएगा विद्याम। वाचाम रिक्त स्थान भवित, इसको उत्तर हो जाएगा वक्रता। सब भाई रिक्त स्थान प्राणिना भूकंपेन निहंते, इसको उत्तर हो जाएगा विक्षह। अब प्रश्न तीन में आपको यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करना है, तो आइए इसको उत्तर हम देखेंगे। तो पहला हमको दिया है फलानाम, तो ये इसकी सही जोड़ी मिलाएगी आपकी षष्ठी बहुवचन से। रागी इसकी सप्तमी, इसकी सही जोड़ी मिल जाएगी सप्तमी बहुवचन से एवचनम से। संस्कृतम की सही जोड़ी मिल जाएगी सम से। प्रधान आरती की सही जोड़ी मिल जाएगी प्रहृति से। ग्रहात की सही जोड़ी मिल जाएगी पंचमी से। और बालकाय की सही जोड़ी मिल जाएगी चतुर्थी से। प्रश्न चार है, यहां पर आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है बद्ध धातु लोट लकार से मध्यम पुरुष वचनम बहुवचनम रूपम किम, तो इसको उत्तर आपका हो जाएगा बदत। दूसरा है गच्छति क्रियापदे कहा धातु अस्ति, तो इसका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा गम। तीसरा है मोहना तिष्ठति अस्मिन वाक्य कहा धातु अस्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर गम। सॉरी यहां पर इसका उत्तर होगा आपका इस्था। चौथा है सदाचार एव परमो धर्म अस्मिन वाक्य अव्यपदम किम अस्ति, तो इसका उत्तर यहां पर हो जाएगा एव। अगर व्रथा कलहम मा कुरु अस्मिन वाक्य अव्यय पदम किम अस्ति, तो इसका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका व्रथा कोमा मा। अगला है तत्र शिवालयः अस्ति एत अस्मिन वाक्य अव्यय पदम किम अस्ति, तो इसका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा तत्र। अगला लब धातु लट लकारस उत्तम पुरुष एवचनम रूपम किम, तो उसको उत्तर आपको जगह यहां पर लवे। आम ना लिखा देखते हैं, पहला है ग्रंथालय इति पद गूढ़ संधि अस्ति, तो ये आपका हो जाएगा गलत रोंग ना। दूसरा है ममेव इतिस्मिन् पद वृद्धि संधि अस्ति, तो ये आपका सत्य होगा। तीसरा अन्य अपि आयादि संधि अस्ति, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ना यानी कि रोंग। अब अगला है आपका यहाँ पर नयनम इतिस्मिन् पद व्यंजनम संधि अस्ति, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर रोंग यानी कि ना। अगला है घनश्याम इति पदे कर्मधारा समास अस्ति, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट। अगला है यथाशक्ति इतिस्मिन् पदे अव्यवहार समास वर्तते, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट। तो ये देखिए हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व कर लिया है। अब इसके थर्ड पार्ट में हम जो यहाँ पर हम सेकंड पार्ट में प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर आखिर तक के क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। तो पहले आप आंसर देख लीजिए, इसके बाद में आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी, यहाँ से देख लीजिए। तब मैं आपको आंसर दिखाती हूँ। देखो बच्चों, अब आपको मैं आंसर दिखाती हूँ।
जैसे प्रश्न 6 का, कैसी माला रमड़िया? आंसर बच्चों हरित, तरु, ललित, लतानाम। देखो बच्चों यहाँ से पूरा क्वेश्चन देख लीजिए आप पूरा। मनुष्याणम महान रिपु कहा, यहाँ देख लीजिए बच्चों आप पूरा। एक तरफ से पूरा आंसर है बच्चों, मिलान कर लीजिए आप। इस प्रकार वस्तुवा चोरहा कहा आसीत, वस्तुतः चोरहा आर्चित आसीस। इस प्रकार प्रश्न 8 का, निर्धनहा जनहा कथम कुथम उपार्जितवान। निर्धनहा जनहा भूरी परिश्रमम कृतिम उपार्जितवान। यहाँ देख लीजिए बच्चों, प्राणे उल्पी कहा रक्षणी। इसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए उसका आंसर बच्चों, प्राणोच्छृपी सदाचारा रक्षणीय। इसी प्रकार बच्चों, अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति। अनिशम महानगर मध्ये कालायाश्च क्रम प्रचलति। इसी प्रकार बच्चों, बुद्धिमती केन उपेता पितुग्रहं चलिता। बुद्धिमती गेन कानने व्यर्थम दर्दस। ये क्वेश्चन पढ़ पढ़ कर लीजिए बच्चों। इस पर बच्चों यहाँ प्रश्न 12 का है, गुड़ी गुड़म जानती। इसका अर्थ आएगा बच्चों, गुड़ी नहा गुड़म जानती। प्रश्न 2 बच्चों, मृगहा मृगे सह अनुप्रजंती। मृगहा मृगहा सह अनुप्रजति। तेन फलानी खाद बनते। यहाँ देख लीजिए बच्चों पूरा इसके आंसर, ये क्वेश्चन आंसर के बाहर के पूरे देख लीजिए आप एक तरफ से।
इसी प्रकार बच्चों प्रश्न 13 का उसका अंतर आंसर बच्चों जो है देख लीजिए आप फटाफट। उत्तर प्रश्न 13 का वस्तुतः वनराज भवितुम तु एमेघ। उत्तर बच्चों एक एक वाक्य में उत्तर देना है इसको, देखो यहाँ पे देख लीजिए आप उसका उत्तर पूरा। ये क्वेश्चन का कहा बन रहा यहाँ से देख लीजिए। और जी प्रश्न है प्रश्न 14 बच्चों यहाँ से देख लीजिए आप। बच्चों इसका जी प्रश्न 14 का आंसर ये है, से देख लीजिए आप पूरा। अभी कई 15 बच्चों रामः पुस्तकं पठसि 15 का एक है 15 प्रश्न 15 नंबर का पुस्तकं पठसि इसका आंसर बच्चों जो है देखो रामः पुस्तकं पठति। इसी प्रकार गणेशहं नमः गणेशाय नमः प्रश्न 3 बच्चों सैनिक अश्वेन पतति। अब सैनिक अश्वेन पतति सैनिक अश्वतः पतति। अब बच्चों इसके आगे का उत्तर में अगले वीडियो में लेकर आऊंगी आंसर क्वेश्चन आंसर। यहीं तक का समाप्त होगा। ये प्रश्न 16 से दिखा रही हूँ, पहले एक वीडियो में अलग डाल दी थी उसके बाद ये प्रश्न 16 से बच्चों यहाँ से देख लीजिए आप यहाँ से पूरा पहले क्वेश्चन देख लीजिए आप। ये इसके आगे में आपको एक तरफ से आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए इसके बाद में आपको आंसर दिखाऊंगी बच्चों। यहाँ से पूरा देख लीजिए आप ये प्रश्न 16 का बच्चों अस्ति देव लाख्यो ग्रामः इसका आंसर बच्चों आप देख लीजिए। जी बच्चों इसका आंसर देख लीजिए आप इधर से ये प्रश्न देव लाख्यो ग्रामः को बस्ती सम इसका आंसर बच्चों देखिए यहाँ से राजसिंह नाम राजपुत्रा वस्तियम इसी प्रकार बच्चों तस्य भार्या का आसित
तस्य भार्या बुद्धिमती आसीत्। स कम दर्दस, स एकम व्यर्घम दर्दस। बच्चों इसी प्रकार अथवा में है, ये बच्चों इसको ये है वनस्य दृशम समीपे नदी बहती। इसी प्रकार बच्चों कहाँ सुकेन बिसते, उसका आंसर बच्चों जो है सिंह सुकेन विस्मृते। यहाँ से बच्चों देख लीजिए आप उसका आंसर जो है इसी प्रकार कहा खा नंबर कहा अगत्य सिंहस्थ पुरुषम धुनाती, उसका आंसर बच्चों ये है बानरहा आगत्य सिंहस्य पुच्छम धुनाती। इसी प्रकार ग नंबर का कुद्रम सिंहा किम करोती, उसका आंसर बच्चों जो है कुद्रम सिंहम इष्टतः धावती गजति च। प्रश्न 17 का बच्चों व्यामो ही सदा पथ्यो बलिनाम, इसका आंसर बच्चों कहा सदा पथ्य, कहा सदा पथ्य, उसका आंसर बच्चों जी है देखो यहां से देख लीजिए आप यहां से जी किन कथम जनाम व्यामो ही सदा पथ्ये। प्रश्न खा नंबर बच्चों देख लीजिए आप व्यामो ही सदा कथम बलिनाम, व्यामो ही सदा पथ्ये, यहाँ से आंसर देख लिख लीजिए बच्चों जी तीसरे नंबर का। प्रश्न प्रश्न खा ग देख लीजिए यहाँ से पूरा उसके बाद बच्चों गुड़ीम गुड़ बेती न बेती निर्गुड़ी। प्रश्न एक कहा गुड़म बेती गुड़ी गुड़म बेती, गुड़म गुड़ी बेती, यहां देख लीजिए बच्चों बलम कहा ना बेती, बलम निर्बलम ना बेती। इसी पर पीको बसंते गुड़म ना वायस, पीका बसंते गुड़म बेती वायस बेती, यहाँ देख लीजिए बच्चों देख लिया अपनी पूरा। इसमें बच्चों जी प्रश्न इकाई 8 प्रश्न नंबर जी 8 यहाँ का यहाँ से देख लीजिए बच्चों का कहा की दसम टीका की दृश, इसका आंसर बच्चों देख लीजिए यहाँ से आप ये है इसका आंसर यहाँ से है का कहा कृष्णम पीकम कोर्स, देख लीजिए यहाँ से पूरा ये वाला।
इसका का कदा काका काका किस पिक पिकहा, यहाँ से देख लीजिए बच्चों को उसका आंसर यहाँ से।